सुबह जल्दी उठकर चाय पीकर मैं चला गया देवरा मूवी देखने। और इस मूवी को देखने के बाद मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि SS राजामौली सर, आपने ऐसा क्यों करा, क्यों बनाई आपने बाहुबली मूवी, और 2017 में आपको क्यों सूझी कि बाहुबली मूवी को रिलीज करा जाए, क्योंकि यार सन 2024 में मैंने देखी देवरा मूवी और लोग इस मूवी को देखकर ये कह रहे हैं कि यार ये मूवी तो बाहुबली की बायोपिक है। तो मेरे इस सवाल का जवाब तो राजामौली देंगे नहीं, तो राजामौली की बिहाफ पर मैं ही आपको बता देता हूँ इस मूवी के बारे में कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए या फिर क्यों देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो गुरु लोग, मूवी का नाम है देवरा और इस मूवी के मेन लीड रोल में है जूनियर NTR, सैफ अली खान और ग्लैमर के लिए जानवी कपूर। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के गांव की जिसका नाम है रत्नागिरी। मूवी के स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि गृह मंत्री ने एक मीटिंग बिठाई है दो गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए, एक का नाम होता दया, एक का नाम होता यति। और फिर उसके बाद पुलिस वाले लग जाते हैं गैंगस्टर यति को ढूंढने के लिए। फिर पुलिस वाले यति की खोज करते करते पहुंच जाते हैं रत्नागिरी गांव में, जहां उनको पता लगता है देवरा के बारे में। और यहां पे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये पुलिस वाला उन दोनों गैंगस्टरों को भूल चुका है और देवरा की कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इस बंदे ने मूवी की स्टार्टिंग से मूवी की लास्ट तक सिर्फ देवरा की कहानी सुनी है, इसे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है गैंगस्टरों से। तो रत्नागिरी गांव की कहानी ये होती है कि यहां पर गांव वाले दो गुटों में बटे होते हैं, जूनियर NTR एज देवरा और एक होता है सैफ अली खान एज बहरा। नहीं, ये कोई गुटों का नाम नहीं है, ये कैरेक्टर का नाम है। देवरा हमारा मेन हीरो और बहरा हमारा मेन विलन। तो हमारे ये जो मेन कैरेक्टर है काम करते हैं दया और यति के लिए। ये दया और यति का असला बारूद चुरा के लाते हैं जो शिप में से आ रहा होता है विदेश से। फिर उसके बाद देवरा को ये पता लग जाता है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। और देवरा अब समझ जाता है कि उसे याला काम नहीं करना और अब वो किसी को याला काम करने भी नहीं देगा। फिर बहरा उसके खिलाफ हो जाता है और उसको मारने की सोचता है। तो बस यही है इस मूवी की कहानी। बाकी मैं तुम अगर और मूवीज की कहानी बताने लग गया तो फिर तुम मूवी क्यों ही देखोगे। तो चलो फिर भी थोड़ी सी कहानी बताई देता हूँ। देवरा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है वरा, और इसका रोल प्ले करा एज अ जूनियर NTR। नहीं, बाप बेटा दोनों सेम ही है। बाप के अंदर जितनी पावर दिखाई, बाप जितना ज्यादा बलवान दिखाया, बेटा उतना ज्यादा कमजोर दिखाया मूवी के अंदर। अब ये क्यों दिखाया है तो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। और इस मूवी में एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है जानवी कपूर। सच बता रहा हूँ भाई, ग्लैमर की कमी तुम्हें बिल्कुल महसूस नहीं होगी उसको देखकर। देखो मूवी में जो एक्शन दिखाया ना वो अच्छा है, और मूवी में कॉमेडी भी ठीक ठाक है, क्योंकि मूवी ज्यादातर ये पूरी पानी के अराउंड ही घूमती है। नकली समुद्र लगता है तुम्हें देखने में, मगर हाँ इतना भी नहीं है कि तुम उसे इग्नोर ना कर पाओ, तुम झेल लोगे, क्योंकि तुमने यार आदिपुर झेल ली तो ये भी झेल ही लोगे। और एक कैरेक्टर और है जिनका भाई एक ही काम है, प्रकाश राज, जिनका नाम है इस मूवी में सिंगप्पा। भाई ये सोच के बैठे है कि जैसे इन्होंने KGF में कहानी सुनाई थी ना, ऐसे ही हालचाल हो जाते हैं। और सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम KGF वाला फील आता है जब तुम स्टार्टिंग में इनकी कहानी सुनने लगोगे ना, तुम्हें लगेगा भाई इन्होंने KGF चालू कर दी। KGF चालू कर दी, ये बंदा नशे फूक के बैठा है, KGF सुना रहा है यार हमें। ये बिल्कुल वही टोन है, सब कुछ वही है, एकदम बिल्कुल सेम तरीके से बता। तो मूवी में जो अच्छा है वो तो ये है कि मूवी की जो कहानी है वो अच्छी है, मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे भी, मगर कुछ कुछ जगह पे इनको इम्प्रोवाइज करना चाहिए था, जैसे वो VFX थोड़ा कमजोर लगता है और कहीं पर यकीन मानो आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इस मूवी को नहीं देख सकते, आपको एक बार मूवी को देखना जरूर चाहिए। अब लास्ट में क्लाइमैक्स मूवी का इतना ज्यादा बढ़िया लगा मुझे कि भाई मुझे तो मजा आ गया। हाँ वो लास्ट में थोड़ा आपको बाहुबली वाला फील हो सकता है, मगर यकीन मानो गुरु मजा आ जाएगा आपको देख के। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, जरूर देख के उस मूवी को एक बार। तो बाकी फिर मेरी और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।